नमस्कार दोस्तों, हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल हल नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 21 जनवरी दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आकर संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शनिवार है, शनिदेव का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शनिदेव महाराज लिखें, शनिदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार, आज की तिथि अमावस्या, आज का नक्षत्र पूर्व साढ़ा और उत्तर साढ़ा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:15 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:45 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 9:01 से सुबह 9:53 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 12:32 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 6 और शुभ रंग है गुलाबी और पीला। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कार्य क्षेत्र में बड़ों का दबाव और घन में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। बिना किसी की मदद के भी आप धन कमाने में सक्षम हो सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। घर पर कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई नाराज ना हो और परिवार की जरूरतों के मुताबिक आपको खुद को उस सांचे में ढालना चाहिए। अपने दोस्तों से बहुत लंबे समय बाद मिलने का ख्याल आपके दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़कर आज के दिन आपको आप अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से आप कुछ नाखुश हैं तो आज के दिन आप हालत बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। सितारे इशारा कर रहे हैं कि किसी नजदीकी स्थान की यात्रा हो सकती है। यह सफर आज के लिए आपके लिए मजेदार रहेगा। आपके प्रिय लोगों का साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताएं, अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग खुला रहेगा। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। घर में साफ सफाई की जरूरत आपको तुरंत करनी चाहिए। हमेशा की तरह इस काम को अगली बार पे नहीं टालना चाहिए और कमर कसकर जुट जाना चाहिए। गलत फहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्म जूसी भरा दिन ठंडा कर सकता है। आपको ऐसी जगहों से महत्वपूर्ण बुलावा आ सकता है जहाँ से आपने इसकी आने की कभी कल्पना न की हो। अपने जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं से भी कार्य किसी की मदद करना आपकी मानसिक शांति के लिए अच्छे टॉनिक का काम कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं, बचपन की याद आपके मन पर छाई रहेंगी, लेकिन इस काम में आप खुद को मानसिक तनाव दे सकते हैं। आपके तनाव और परेशानी की एक बड़ी वजह बचपन की मासूमियत को जीने की चाह है, इसलिए खुलकर जिए। आपको कई स्रोतों से आर्थिक लाभ होगा। आपके परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपका दुख बर्फ की तरह पिघलता जाएगा। अचानक यात्रा के कारण आप आपाधापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं। यह दिन आपके जीवन में बसंत काल की तरह है, रोमानी व प्यार से भरा, जहाँ सिर्फ आप और आपका जीवन साथी हो। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं, आज आपके नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। बच्चों के साथ किसी पार्क में घूमने जाएं। आपका कोई खास काम आज पूरा हो सकता है। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। धन लाभ के बड़े अवसर आपको मिलेंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा। किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा होगा। शिव चालीसा का पाठ करें, संतान का सहयोग मिलता रहेगा। ध्यान सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि है, जो आपकी कार्य क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास आज इसके लिए समय भी है। साथ ही साथ आपको बताएं,
आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है। परवान में किसी का जन्मदिन है तो उसे घर में रहते हुए सेलिब्रेट करें। किसी अपने के प्रति शुभकामनाओं का उदय होगा। रोमांस के शौकीन लोग कहीं जाने के प्लानिंग कर सकते हैं। आज सट्टा जैसी रिस्की कामों में बिल्कुल भी निवेश ना करें। बिजनेस और कार्य क्षेत्र से रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कारोबार में कोई नया अवसर आपको दिखाई देगा। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग अपने मन पसंदीदा खेल के लिए आज का शौक पूरा कर सकते हैं। ऑफिस में अच्छे व्यवहार के कारण कुछ लोगों की मदद मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं, माता पिता और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा संघर्षमय रह सकता है। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु किसी आध्यात्मिक कार्य की तरफ आपका रुझान बढ़ना संभव है। आपके लव लाइफ में अपने प्रेमी से दूर बने रहने की संभावना है। आपको उनसे मुलाकात के मौके कम मिलेंगे। पेट से जुड़ी तकलीफें संभव हैं, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। नौकरी के क्षेत्र में आप कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। छात्रों की शिक्षा में उन्नति हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा और प्रत्येक कदम बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ाना होगा, तभी आप एक सुखमय दाम्पत्य जीवन का आनंद लेने में सक्षम होंगे। दोस्तों, आपको साथ ही साथ बता दें कि आपके जीवन साथी की तरक्की होगी, इससे आपके मन में शांति का माहौल बनेगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है, लेकिन मानसिक दबाव के बावजूद आज खुश रहने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी व प्रेम का से जीवन में मधुरता आएगी, जिससे खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जी आज का दिन आपके प्यार के लिए बेहतर साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं कि पति पत्नी में भावनात्मक तथा विश्वासपूर्ण रिश्ता रहेगा व घर परिवार में भी वातावरण खुशनुमा बना रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आज कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें, समय के साथ सब सही रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आप मानसिक परेशानी से परेशान रह सकते हैं, यानी आप किसी छोटी सी बात को लेकर परेशान रह सकते हैं, और साथ ही आज आप कई कामों को एक साथ करने से आज आप खुद को तनावग्रस्त महसूस करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।